हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पैशन। मैं हूँ संध्या और आज मैं आपके लिए लाई हूँ मीशो से एक प्रोडक्ट है जिसका आज अनबॉक्सिंग रिव्यू करूँगी मैं। मैंने मीशो से प्रोडक्ट है फिटमी का फाउंडेशन, सॉरी कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन, जो मुझे कॉम्बो पैक में मिला था, जो सिर्फ 131 रुपीस में मुझे ये कॉम्बो मिला है। तो मैंने देखा कि फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर फाउंडेशन दोनों भी है, वो भी 131 रुपीस में, तो मैंने इसे ऑर्डर किया। बट एक्चुअली इसका प्राइस 60 रुपीस था, कॉम्पैक्ट पाउडर प्लस फाउंडेशन दोनों मिला के कॉम्बो में 60 रुपीस वहाँ दिखाया था। और जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो मुझे 71 रुपीस इसका शिपिंग चार्जेस एडिशनल चार्जेस करके लिखा था, 71 कुछ लिखे उनका सर्विस चार्ज था, तो और प्लस 60 रुपीस ये प्रोडक्ट का प्राइस था। टोटल मुझे 131 रुपीस में ये आया है। तो इसे ओपन कर दिया मैंने, इसे बहुत सारे कार्डबोर्ड के टुकड़े रखे हुए हैं, ये मुझे मिला है। हाँ, तो इसमें NC35 का मैक का कंसलर फ्री है शायद। ये है फाउंडेशन फिटमी का और ये है कॉम्पैक्ट पाउडर जो अच्छे से बबल रैपिंग में रैप है। देखते हैं क्या है ये, अच्छा सही प्रोडक्ट हमें मिला है कि डुप है। मुझे तो पहले से शक हो रहा था कि शायद ये डुप हो सकता है, क्योंकि इतने कम प्राइस में फिटमी का प्रोडक्ट मिलना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि कम से कम कॉम्पैक्ट पाउडर ही वो 550-600 तक का आता है और ये 131 रुपीस में इतने सारे चीज़ें मिले मुझे। तो देखते कॉम्पैक्ट पाउडर ये कैसा है होगा। इस तो देखते पता चल रहा है कि एकदम जूना सा डब्बा, उसमें सब मार्क्स लगे हुए और डब्बा ओल्ड ही लग रहा है मुझे। ये देखो टूटा हुआ भी है, ये एकदम देखने में तो जूना सा बॉक्स लग रहा है और बस टूट भी गया है। ये इतना जैसे बबल रैप करके भी टूटा हुआ आया है, पता टूटा हुआ ही रखा था शायद, क्योंकि बबल रैप रख के टूट कैसे टूटा हो। और ये देख के मुझे लग रहा नहीं कि फिटमी का ये असली है, फिर भी देखते हैं। चलो बॉक्स जरा ये पता है डब्बा कैसा दिखता है, पूरा जूना जैसा। देखो रियल में आपको दिखा रही हूँ इमेज में, ये है रियल फिटमी जिसमें नंबर भी दिया है 115 और इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा बस फिटमी लिख के रखा है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो देख के पता चल रहा है डुप्लीकेट है ये। मैंने इसे रिटर्न ऑर्डर कर दिया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ये बना रही हूँ वीडियोस ताकि आपको बता सकूँ, क्योंकि हम जिस दिन रिटर्न का ऑर्डर करते उसी दिन वो आ जाते हैं। ये मैक का कंसलर इसमें फ्री है कॉम्बो के साथ, तो ये भी ज़रा ओपन करके देखते हैं ये कैसा है। ये इसे ओपन करके देखते हैं, ये बिल्कुल ड्राई सा है, ऐसा लगता है बहुत जूना कुछ कंसलर उठा के हमें दे दिया है। नाम बॉक्स पे लिख दिया है मैक करके, बट सब मुझे जूने डब्बे जूने फाउंडेशन। इसमें देखो पीछे कुछ भी नहीं है, ना एक्सपायरी डेट है, ना मैन्युफैक्चर डेट है, सेल्फ लाइफ कुछ भी नहीं दिया है, बस इंग्रेडिएंट्स कुछ कुछ लिखा हुआ है और बॉक्स के ऊपर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। 115, 120 सा उसका नंबर्स होता है, वो भी नहीं दिया है और बस टूटा हुआ भी है। देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो असली फिटमी का इमेज, बट इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, एकदम बेकार सा फालतू सा डब्बा दिख रहा है। इसे चेहरे पे सब कुछ यूज़ आप लोग ये ना लेकर के मैंने ये वीडियो डाला है। देखो रियल में बॉक्स के पीछे आप देख सकते हो कैसे कैसा सब दिया हुआ है, कितना ग्राम है, इसका एक्सपायरी डेट सब कुछ दिया हुआ है, बट इसके पीछे देखिए आप कितना डिफरेंस है। इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा है, वो भी क्या क्या है पता नहीं। और ये है फिटमी का बॉक्स जो भी सिंपल सा कुछ है, इसमें के पीछे भी कोई एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चर डेट कुछ भी नहीं डाला हुआ, प्राइस नहीं लिखा हुआ है। ये पूरे बॉक्स को मैंने घुमा के देख लिया, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस सिर्फ फिटमी नज़र आ रहा है। तो देख के पता चल जाएगा आपको ये डुप्लीकेट ही है। तो ये प्रोडक्ट ना ले तो अच्छा है, लेकर अपने चेहरे को ख़राब मत करिएगा। फिटमी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे रहते हैं, आपने देखा है बहुत ही अच्छे हैं।
और ये है फाउंडेशन, फाउंडेशन का भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। फिटमी का फाउंडेशन का पैकिंग देखिए और इसका पैकिंग देखिए आप। इसमें 115 लिखा हुआ है पर जैसे वहाँ आपको दिख रहा है वैसा नहीं दिखेगा यहाँ पे। इसमें भी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, प्राइस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस फिटमी। और ऊपर देखिए आप, यहाँ पर भी लिखा हुआ रहता है, वो भी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखो, मैंने बहुत कोशिश करी इसे देखने ध्यान से, पर पूरा ऐसा मिटाया हुआ जैसा देखे ना आपने, देखिए है ना। तो ये भी डुप्लीकेट है, ये जो मैक 35 का जो इन्होंने काउंसलर दिया है ये भी डुप्लीकेट है। बॉक्स आप देख सकते कितना जूना दिख रहा है डब्बा, और ऊपर से इसमें ना मैन्युफैक्चर डेट है, ना एक्सपायरी डेट है, ना प्राइस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग ये मीशो से फिटमी का कोई प्रोडक्ट मत लीजिए, क्योंकि इट्स नॉट एन ओरिजिनल वन। और मैक का भी, क्योंकि जो ओरिजिनल होता है उसमें मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, सेल्फ लाइफ होती है उसकी कितनी, वो लिखा हुआ रहता है और प्राइस लिखा हुआ रहता है, पर इसमें कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, बाय मत करिएगा। आप अमेज़ॉन से या कोई और वेबसाइट से ले सकते हो, पर अमेज़ॉन में भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स जो, ये तो 131 रुपीस में मुझे मिला, पर वहाँ पे 550-650 में आपको मिल जाएगा, बट वो भी डुप्लीकेट हो सकता है। तो हमारी पहचान क्या है कि हमें मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और प्राइस देखना होता है, उससे हमें पता चलेगा कि वो रियल है कि फेक है। और ये सब प्रोडक्ट अपने चेहरे पे बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा डुप्लीकेट। हमारा चेहरा कितना वैल्यूबल है हमें पता है, हम सबका चेहरा हमारे लिए वैल्यूबल है। तो ये ख़राब सी चीज़ें सब उठा के डुप्ली प्रोडक्ट यूज़ करके अपने चेहरे को ख़राब मत करिएगा। तो इसलिए मैंने आपको पूरा अनबॉक्सिंग और रिव्यू बता दिया है इस प्रोडक्ट का, फिटमी का। और अगर ऐसे आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में जानना हो, रिव्यू कराना हो, अनबॉक्सिंग कराना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए उस प्रोडक्ट को परचेस करके आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाऊंगी, हॉनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये फिटमी का प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेक है, इट्स अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो। तो अगर आपको लेना भी लेना है तो जो अच्छे अच्छे वेबसाइट है, पर्पल पर्पल जैसे वेबसाइट है, ये सबसे आप जाके ले सकते हो, वहाँ पे आपको रियल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो इतने तक, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।